मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में धर्म गुरुआ राजनीतिक दला और सामाजिक कार्यकर्ताओं साथ कोरोना संक्रमण माथे करी चर्चा। कया लापरवाही बरतवा पर सरकार उठावेली सख्त कदम। देश में कोरोना रा बढ़ता मामला रे मद्देनजर केंद्रीय गृह सचिव सगड़ा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने लिखा पत्र। कोविड प्रोटोकॉल री सख्ती सु पालना कराबा खातर दीना निर्देश। राज्य री विधानसभा सीटा माथे होबावाड़ा उपचुनावारी तैयारियां में जुटी भाजपा। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया कया उम्मीदवार रा चयन की प्रक्रिया जारी। केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड प्रोटोकॉल सख्ती सु लागू करबा खातर दीना निर्देश। राज्य में धारा 144 री अवधि बढ़ाई। और भारत और इंग्लैंड रे बीचे T20 क्रिकेट सीरीज रो पांचवो और आखिरी मैच आज। दोनों टीमों री कोशिश पहली सीरीज पर कब्जा जमावारी। नमस्कार, राजस्थानी खबरारे इन बुलेटिन में आप रो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास सोनी और अब खबरां विगतवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने लेन लापरवाही करेगी तो राज्य सरकार सख्त कदम उठावेली। मुख्यमंत्री काले जयपुर में धर्मगुरुआ राजनीतिक दला और जनप्रतिनिधियां समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं रे साथे संवाद करियो। इन दौरान वणा कया कि मां की सावधानी ही इन चुनौती से निपटबारो सबसे कारगर उपाय है। देश में कोरोना रा बढ़ता मामला ने देखता थका केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला सगड़ा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने पत्र लिखने कोविड प्रोटोकॉल ने सख्ती से पालना करबारो हुक्म दीनो है। पत्र में गृह सचिव कया कि कोविड रा मामला में 5 महीना तानी गिरावट रे पछे यो देश रा कई हिस्सा में बढ़ रियो है। उन्होंने कहा कि चेहरे पर मास्क पहनने, सामाजिक दूरी और हाथों की सफाई में ढिलाई इसका मुख्य कारण है। ऐसे में गृह सचिव ने राज्यों से आग्रह किया कि नए मामलों और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर महामारी से मुकाबला करने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों और कोविड अनुकूल व्यवहार का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, जिसमें मास्क लगाना, सफाई बरतना और सामाजिक दूरी का पालन करना शामिल है। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में जागरूकता फैलाने के साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर दिशा निर्देशों के सख्ती से पालन करने के अन्य उपाय भी अपनाने को कहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र कया कि कोविड 19 महामारी रे दौरान देश में प्रभावी प्रबंधन रे कारण ही कम सु कम नुकसान हुयो है। वणा कया कि टीकाकरण अभियान में भी भारत आपरी पहल सु विश्वभर में पहचान बनाई है। आज इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया रा 32वां राष्ट्रीय अधिवेशन ने संबोधित करता थका राज्यपाल कयो कि युवावा ने आत्मनिर्भर बनावा खातर वित्तीय सुविधा रो विस्तार करता थका देश में ऐसी योजनावा शुरू करेगी जिनसु अर्थव्यवस्था ने फिर सु एक नई गति मिली है। प्रदेश में एकल फेरु कोरोना संक्रमण रा मामला तेजी से बढ़वा लग गया है। काले राज्य में 402 नुवा मामला सामने आया है। सबसे ज्यादा कोटा में 64 और जयपुर में 61 नुवा संक्रमित मिलिया है। इनके अलावा राजसमंद में 38, उदयपुर में 36, जोधपुर में 34, डूंगरपुर में 30 और अजमेर में 22 नया रोगी पाया गया है। इन बीचे अजमेर और उदयपुर में कोरोना संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 302 लोग इन बीमारी से ठीक हुआ है। प्रदेश में अबे ताणी 40,47,000 से 72 लोगों ने कोविड रोटी को लगायो जा चुको है। स्वास्थ्य महकमा के मुजब राज्य में काले तीसरा चरण रा खातिर 60 वर्ष से 32 उम्र रा और 45 से 59 साल रा गंभीर बीमारी वाला ने 2,67,529 लोगों ने वैक्सीन री पहली डोज दीनी है। जोधपुर शहर भाजपा जिला प्रशासन से शहर में कोविड टेस्टिंग बढ़ावा री मांग करिया है। भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी कयो कि जोधपुर सगड़ा सरकारी सफाखाना में शिविर लगार पहलिया री भांति बड़ा स्तर माते कोरोना री जांच करी जानी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज कलेक्टर महोदय से मिला है और मुख्य रूप से हमारी ये मांग है कि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर आई है और बड़े बड़े महानगर जिस तरह से इसके चपेट में आए हैं, है ना, हमारी माननीय कलेक्टर महोदय से हमने मांग की है कि जोधपुर में भी टेस्टिंग वाइड स्तर पर हो। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से टेस्टिंग को लेकर शिथिलता हो गई, पहले जिस तरह जिस वृद्ध स्तर पर टेस्टिंग होती थी और पेशेंट डिटेक्ट होते थे, अब पेशेंट डिटेक्ट होने कम हो गए, तो हमारी ये डिमांड है कि कल को ऐसा नहीं हो, जोधपुर में भी ये महामारी एकदम से ज्वलंत रूप धारण कर ले। इसलिए हमने माननीय जिलाधीश महोदय को निवेदन किया है कि टेस्टिंग की फैसिलिटी प्रत्येक चिकित्सालय में, CAC में, PAC में कैंप लगाकर विभिन्न स्थानों पर पुनः चालू की जा सके। कोरोना रा बढ़ता मामला ने देखता थका जोधपुर माए लोगा ने इन महामारी रे सारू जागरूक करियो जा रियो है। इन कड़ी माए काले शहर रा कई हल्का रे माए ने जागरूकता रैली निकालने कोविड नियमा रो पालन करावा रो संदेश दियो गयो। वापस कोरोना का संक्रमण बढ़ने को देखने में मिल रहे हैं। पिछले एक महीने में राजस्थान में भी करीब 5 गुना बढ़ गया है और महाराष्ट्र है, अन्य स्टेट में भी काफ़ी संख्या में कोरोना बढ़ रहे हैं। इस बात को लेकर राज्य सरकार भी गंभीर है। हम यहाँ बार बार लोगों को कह रहे हैं कि किसी तरह का लापरवाही बरतना उसका परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इसलिए लोगों को जो राजस्थान एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट का जो प्रावधान है, विशेष तौर पे मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का, इसका पालना करने के लिए, कंप्लेंट्स करने के लिए, इंश्योर करने के लिए हम पैदल भी आज निकले हैं, लोगों को अपील कर रहे हैं। वायलेशन जो दिख रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी किया जा रहा है। बूंदी जिला में एकर फेरू कोरोना संक्रमण का मामला बढ़वा ने लेन चिकित्सा महकमा और जिला प्रशासन सतर्क वे गयो है। इंडी रोकथाम खातर प्रशासन प्रयास शुरू कर दिनो है। इंडे तहत सगला परिवहन अधिकारी बैठक बुलान वणा बस स्टैंड माथे लोगा सु मास्क लगावा और सोशल डिस्टेंसिंग री पालना करावा रा निर्देश दिया है। वटे ही शहर माए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा कानी सु मास्क वितरण रो काम शुरू कर दियो गयो है। बढ़ने की ओर है और संकेत ऐसे आ रहे हैं, उसके लिए भी जिला प्रशासन ने सैनिटाइजेशन शुरू कर दी है। हमने रोडवेज और DTO को भी निर्देशित किया है कि बसों में जो कोविड की जो गाइडलाइन की पालना है वो सुनिश्चित की जाए। बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशन पे भी हमने मेडिकल टीम तैनात कर दी है कि जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग इंश्योर हो। उसके अलावा मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का जो कैंपेन है वो भी हमने चालू किया है। आज भी बूंदी शहर के अंदर मास्क वितरण रैली के रूप में किया जा रहा है, उसका नेतृत्व EDM साहब के द्वारा किया जा रहा है। और इसी प्रकार हमारी जो पूरी टीम है इस वापस इसी कंट्रोल के प्रोसेस के अंदर अब लग गई है। सैम्पलिंग हमने डिस्ट्रिक्ट में बढ़ा दी है, कल भी हमने 300 से ज़्यादा सैंपल एक दिन में लिए हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि बूंदी की जनता भी हमें सपोर्ट करेगी और जो तीन चीज़ें हैं, मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, इसकी पालना करेगी, जिससे जो ये राइज है उसको हम अभी तुरंत ही उसको रोक पाएँ। ऐसी मेरी प्रतापगढ़ जिला में भी कोरोना संक्रमण का मामला बढ़वा रे साथ ही प्रशासन सतर्क हो गयो है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल अधिकारियों ने शहर में बिना मास्क घूमने वाला लोगा रे खिलाफ कार्रवाई करन जुर्माना वसूल बारा हुक्म दीना है। वठे टीकाकरण में तेजी लियाबा खातर जुगत करी जा रही है। नगर परिषद रा प्रशासनिक अधिकारी मुकेश गोहिल बतायो कि परिषद रा अधिकारी और कर्मचारी और पुलिस महकमा रे साथे मिलने शहर माए अभियान चलायो जा रियो है। 4 टेबल लगा चुके हैं और 10,000 आज प्राप्ति हो गई। कोरोना से बचाव हेतु मास्क लगाने की अनिवार्यता के निर्देश अनुसार जो जिला प्रशासन से प्राप्त निर्देश है उनके अनुरूप चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है। आज सूरतपुर चौराहे से चित्तौड़गढ़ रोड पर अकबरी मार्केट क्षेत्र में ये चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है और नियमित रूप से संपूर्ण बाजार में बिना मास्क लगाए पाए जाने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS दत्तात्रेय होसबोले ने आपरो नयो सर कार्यवाहक चुनियो है। दत्तात्रेय होसबोले सुरेश भैयाजी जोशी री जगह लेवेला।
प्रतिनिधि सभारी बैठक में दत्तात्रेय रे नाम रे माथे मोहर लागी है। इनसु पहली रा सर कार्यवाह हा। इससे पहले दत्तात्रेय होस बोले सह सर कार्यवाह थे। भैया जी जोशी 2009 में संघ के सर कार्यवाह बने थे और उन्होंने तीन तीन साल का अपना तीन टर्म पूरा किया। आरएसएस में सर कार्यवाह को दो नंबर का पद माना जाता है। ये संगठन में कार्यकारी पद होता है जबकि सर संघ चालक का पद मार्गदर्शक का होता है। 12 वर्षों से जो सर कार्यवाह थे माननीय भैया जी जोशी, उन्होंने इच्छा प्रकट की कि काफी मेरी आयु भी हो गई है और लंबा समय भी इस कालखंड पर हो गया, तो आने वाले समय में संघ के कार्य के संचालन के लिए, नेतृत्व के लिए और अधिक युवा देश भर में घूमने वाले ऐसे सर कार्यवाह चुने और मुझे इस दायित्व से मुक्त करे, ऐसा उन्होंने अनुरोध किया था। संघ तो टीम वर्किंग से चलता है, इसलिए दायित्वों का परिवर्तन होता है। उनके इस अनुरोध को सब प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया और उसके बाद आज और जब सारी प्रक्रिया चली तो माननीय दत्ता जी के नाम का अनुरोध प्रस्तावना हुई और सब लोगों ने उसका अनुमोदन किया। सर्वसम्मति से श्री दत्तात्रेय जी होस बोले अगले तीन वर्षों के लिए अपने सर कार्यवाह के नाते निर्वाचित हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया कया की पार्टी राज्य री चार विधानसभा सीटा माथे होबा वाला उपचुनाव री तैयारियां माए पूरी तरह जुट गई है। इनके तहत इन सीटा माए उम्मीदवार रे चयन री प्रक्रिया शुरू कर दी है। वना कयो कि पार्टी रे कन्ने कई जिताऊ योग्य और क्षमतावान उम्मीदवार है जिनको टिकट दियो जावे। लो तो चारों ही जगह अनुकूल हैं क्योंकि जो पंचायती राज के चुनाव हुए थे इन सारे ही विधानसभा क्षेत्रों में सरकार के खिलाफ जनादेश लोगों ने दिया था। दूसरा, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता हर काम को चुनौती के रूप में लेता है, परिश्रम करता है, जो हमने बहुत पहले से शुरू कर दिया था। जमीनी तैयारी पूरी हो गई। ये तो सरकार है जो लोगों के बीच में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का, अपने रुतबे का भय दिखाती है। मुझे फिर भी इसका पूरा भरोसा है कि सरकार की मशीनरी, सत्ता का दुरुपयोग, उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम भारी पड़ेगा। सांसद दिया कुमारी कहो कि प्रदेश में जिस प्रकार से महिला अत्याचार में बढ़ोतरी हुई है उन सगला में भय रो माहौल है। राजसमंद में भाजपा जिला मुख्यालय पर खबर नवीसा ने संबोधित करता थका कहो कि महिला पर बढ़ता अत्याचार चिंता रो विषय है। दिया कुमारी राज्य सरकार पर आरोप लगाता थका कहो कि सरकार इन विषय माते ध्यान ने देर आपरी कुर्सी बचावा माए लागोड़ी है। 2018 से लेके 2019 के अगर आंकड़े देखें, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में राजस्थान नंबर 1 पे है। तो अगर मैं एक एमपी हूँ, मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ, तो एक आम महिला का क्या हाल हो? ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील बात है और इसको राज्य में सरकार को बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है। और बहुत जब अगर इस तरह की घटना होती है इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। कई बार तो महिला की सुनवाई नहीं होती है और आपने तो देखा होगा वो महिला अपना अगर कहीं वहां भी एक घटना हो गई हॉस्पिटल, हाँ आईसीयू में हुई है, हॉस्पिटल में कोई ना कोई घटना हो रही है, थाने में हुई है। मतलब देखिए आप कहाँ आए, कोई जगह नहीं छोड़ी। पूरी कोशिश करूंगी कि ये मामला मैं संसद में उठाऊं क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण बात है और अगर हम लोग उस चीज में नंबर वन है तो बहुत शर्म की बात है हमसे। राज्य सरकार प्रदेश में बढ़ता कोरोना संक्रमण रा मामला ने देखता थका धारा 144 एक महीना खातर बढ़ा दी है। गृह महकमा रा आदिश मुजब अब निषेधाज्ञा 24 अप्रैल तानी प्रभावी रहेला। इनके तहत सार्वजनिक स्थान पर 500 लोगानी नहीं जुट पावेला। राज्य में कोरोना संक्रमण रा खातिर लाडला बरस मार्च में धारा 144 लागू करी की ही। वीरांगना महारानी अवंतीबाई रा बलिदान दिवस रे मौका माथे झालावाड़ माए रक्तदान शिविर राख्यो गयो। शिविर माए बड़ी संख्या माए युवावा हिस्सो लियो। इन दौरान जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा युवाओं सु आह्वान करता थका कयो कि वे अधिक सु अधिक रक्तदान करवा माए आपरी भूमिका निभावे और सभी के लिए प्रेरणास्पद भी होता है, प्रेरणादायक भी कि उन जैसे जो भी हमारे युग पुरुष है, महापुरुष है और जिनके उपलक्ष्य में अवंती बाई के उपलक्ष्य में हैं, तो लोगों को ये मौका भी मिलता है कि उनका योगदान क्या था और इसके अवसर पर लोगों में एक रक्त जो दान की
उनके प्रेरणा मिलती है, वो आगे आने वाली पीढ़ियों में भी एक उत्साह का संचार करती है और इस रक्तदान से बहुत सारे लोगों की जान भी बचती है। सरकार री कई योजना वाला कार्या ने सुगमता सुकरबा खातिर ई मित्र कियोस्क की स्थापना करी की है। आज समूचा प्रदेश में सूचना केंद्र माथे नियमित रूप से कियोस्क पर सरकारी योजनावा, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेंशन आवेदन, परीक्षावा और नौकरी खातर ऑनलाइन आवेदन करिया जा रहा है। समूचा प्रदेश में 85,000 सुबत्ता जबकि जयपुर में 9,000 सुबत्ता ई मित्र कियोस्क संचालित हो रहा है। वटे दूजी कानी उन योजनाओं का सभी का कार्य यहाँ पे किया जाता है, जिन कार्यों का सरकार निर्धारित सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता है। ई मित्र से कोई भी सेवा देने के लिए एक स्टेट लेवल कमेटी बनी हुई है जो कि सेवाओं का शुल्क निर्धारित करती है और हर प्रकार की सेवाओं के लिए शुल्क इस कमेटी द्वारा निर्धारित किए हुए हैं। ई मित्रों को ये निर्देश है कि वो उन्हीं जो निर्धारित शुल्क हैं उनके ऊपर जनता को सेवाएँ उपलब्ध करावे। लेकिन कई बार ये शिकायतें मिलती है कि कुछ ई मित्र वाले ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, तो जब भी हमें शिकायत मिलती है तो हमें उसको सत्यापन करवाते हैं और सत्यापन के आधार पर उस पर आवश्यक कार्रवाई भी करवाते हैं नियमानुसार। इसमें SDMs को ये अब अधिकार दिए गए हैं कि कोई भी ई मित्र केंद्र अगर ओवर चार्जिंग करता हुआ पाया जाता है तो प्रथम बार शिकायत प्राप्त होने पर उस पर 5,000 रुपये तक की पेनल्टी और 15 दिन तक का सस्पेंशन किया जाता है। अगर वही ई मित्र दोबारा ये ओवर चार्जिंग की गलती करता मिलता है तो 1 महीने तक का सस्पेंशन और 50,000 रुपये तक की पेनल्टी उस पर लगाई जा सकती है। तीसरी बार भी शिकायत मिलती है तो उस ई मित्र को परमानेंटली डीएक्टिवेट किया जाता है। प्रदेश में प्राकृतिक और योग चिकित्सा रो व्यापक प्रचार प्रसार और नियामक ढांचा तैयार करवा खातर राजस्थान राज्य प्राकृतिक चिकित्सा विकास बोर्ड रो गठन करियो गयो है। आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहो कि सरकार री मंशा प्राकृतिक और योग चिकित्सा ने नुवो आयाम देवा और उन रो खोयो सम्मान वापिस दिलावनो है। वणा कहो कि बोर्ड रे जरिए योग और प्राकृतिक चिकित्सा रा संवर्धन और उनसु बत्ता लोकप्रिय बनावा रा प्रयास किया जावेला। मुख्य सचिव निरंजन आर्य राज्य माए खोली जावा वाली नुवी मेडिकल कॉलेज खातर भूमि अवाप्ति री प्रक्रिया माए तेजी लियाबा और मेडिकल कॉलेजा रो बेगो ही निर्माण कार्य शुरू करावारा निर्देश दीना है। मुख्य सचिव काले जयपुर माए नुवा मेडिकल कॉलेजा री जमीन इश्यू मामला रे खातर अधिकारिया री बैठक लेनी। इन दौरान वणा श्रीगंगानगर जिला माए खुलबा जा रिया मेडिकल कॉलेज खातर UIT ने 10,25,00,000 सुबत्ता रुपया री राशि देनी और UDH महकमा ने जमीन हस्तांतरित करवा खातर निर्देश देना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि कोरोना महामारी रे मद्देनजर प्रदेश रा 3 जिला माए होबा वाला विधानसभा उपचुनाव माए मतदान रिटेम अवधि ने 2 घंटों बढ़ायो है। वणो बतायो कि 3 जिला माए आगामी 17 अप्रैल ने मतदान सुवारे 7 बजे सु शाम 6 बजे ताई राख्यो जावेलो। वणो बतायो कि मतदान केंद्र माथे भीड़ ने नियंत्रित करवा खातिर व्यवस्था करी जावेली। जयपुर रा रविन्द्र मंच माथे कला संस्कृति महकमा और राजस्थान ललित कला अकादमी रा सहयोग सु रविन्द्र कला उत्सव 2021 रो आयोजन करियो जा रियो है। कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला काले इनरो उद्घाटन करियो। इन मौका पर मंत्री कल्ला कहो कि जयपुर माए एक फेरो कला संस्कृति साहित्य से जुड़िया सगला कार्यक्रम ने जल्दी ही शुरू करियो जावेलो। संबंधित भाषाओं के विकास उन्नयन और साहित्यकारों का सम्मान अलग अलग एकेडमीज करेंगी। ललित कला अकादमी जो है हमारे कलाकारों का हर साल सम्मान करती है, उनको पुरस्कृत करती है। सारे कार्यक्रम धीरे धीरे शुरू करेंगे और कुल मिलाकर के राजस्थान में कला साहित्य और संस्कृति का सांगोपान सदुपयोग होगा और आने वाले वक्त में हमारी इच्छा है कि हम एक अच्छा लिटरेचर फेस्टिवल करें।
राजीविका और ग्रामीण विकास महकमा कानीसू जयपुर माए चाल रिया सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला माए लोगा रो उत्साह देखवाने मिल रियो है। राजधानी माए 21 मार्च ताणी चालबावाड़ा मेला माए करीब 22 राज्य री 150 सुबत्ती स्टॉल्स लागोड़ी है। इन स्टॉल्स पर महिला स्वयं सहायता समूह कानी बनाया गया उत्पाद जयपुर वासिया रो ने खासो पसंद आ रियो है, जिनमें बैग, पर्स, ब्लू पॉटरी, टेराकोटा, सजावट री वस्तुआं, पेंटिंग्स और बांस री कलाकृतियां शामिल है। हैंडमेड ही है, पूरा बैम्बो और वुडन से काम करती हूँ हम लोग। हमारा उस साइड में कुछ फैक्ट्री नहीं है, इसलिए हाथों से पूरा सामान बनाते हैं। जयपुर मेले में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। इधर गवर्नमेंट को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा दीदी लोगों का जो हाथों से बना हुआ प्रोडक्ट है उसे दिखाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर हमारा सेल भी हुआ है, हमारा प्रोडक्ट जो है वो जयपुर के लोगों को बहुत पसंद भी है। जी, हम यहाँ सरस क्राफ्ट मेले में आए हैं। जो कुछ चीज़ें हमने यहाँ देखी है और ख़रीदी भी है, तो यहाँ पे महिलाओं के द्वारा विभिन्न समूहों से, अलग अलग राज्यों से हाथ के बने हुए प्रोडक्ट देखे हैं, तो इन्हें देख के ख़रीद के बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे क्या है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है, ये देख के भी बड़ा अच्छा लगा। ये जयपुर सरस क्राफ्ट मेला राजीविका एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से हो रहा है। तो इसमें 22 राज्यों की बाहर की स्टॉल्स हैं और बाकी सब राजस्थान से हैं। कुल अपने यहाँ पे 150 स्टॉल है, जिसमें लगभग 70 स्टॉल बाहर की है और 80 स्टॉल यहाँ की है। इसके अलावा 10 स्टॉल फूड कोर्ट की है। फूड कोर्ट में भी 6 स्टॉल बाहर की है और 4 राजस्थान की है। और खबर खेलसू, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा T20 क्रिकेट सीरीज रो पांचवो और अंतिम मैच आज अहमदाबाद में खेलियो जावेलो। 4 मैचा में दोनों टीमों के बीच में कड़ो मुकाबलो देखने मिलियो और फिलहाल या सीरीज 2-2 सू बराबरी माते है। इन मैच ने जीतवा वाली टीम सीरीज पर आपरो नाम करेली। इस सीरीज में दोनों ही टीम T20 विश्व कप की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आई थी और उनका मकसद अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना था। कप्तान विराट कोहली कई बार कह चुके हैं कि वे लक्ष्य का पीछा करना पसंद करते हैं। सीरीज के पहले 3 मैच में टॉस जीतने वाली और लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ही जीती थी। हालांकि चौथे T20 में टॉस हारने के बावजूद 185 रन के स्कोर की सफलता पूर्वक रक्षा करना भारतीय टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही। भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीम में मैच विनर खिलाड़ियों की कमी नहीं है। इंग्लैंड के पास ये मैच जीतकर भारत में हराकर सीरीज जीतने का सुनहरा मौका है। दोनों ही टीम पिछले काफी समय से T20 सीरीज में जीत के रथ पर सवार हैं। ऐसे में देखना काफी रोचक होगा कि पांचवे मैच में जीत के साथ किस टीम का T20 सीरीज में विजय अभियान का सिलसिला बरकरार रहता है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे चलता कई जगह माथे तेज हवा चालबा और बिरखा वैसा लोगा ने गर्मी से राहत मिली है। काले राजधानी जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिला में कई ठोरा माथे बिरखा भी। मौसम महकमा रे मुजब आगामी 3-4 दिन में राज्य रा कुछ एक इलाका में मेघ गर्जन रे साथे हल्की मध्यम दर्जारी बारिश होने की संभावना है, वटे कई कई जगह ओला भी पड़ सके है। और बुलेटिन रे मायने अंत में मुख्य समाचार एक कर फिरू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में धर्मगुरुआ राजनीतिक दला और सामाजिक कार्यकर्ता वारे साथे कोरोना संक्रमण माथे करी चर्चा, कया लापरवाही बरतवा पर सरकार उठावेली सख्त कदम। देश में कोरोना रा बढ़ता मामला रे मद्देनजर केंद्रीय गृह सचिव सगड़ा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशा ने लिखिया पत्र,
कोविड प्रोटोकॉल री सख्ती से पालना कराबा खातिर दिना निर्देश। राज्य री विधानसभा सीटा माते होबा वाला उपचुनावारी तैयारियां में जुटी भाजपा। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया कया उम्मीदवार रा चयन री प्रक्रिया जारी। केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशानी कोविड प्रोटोकॉल सख्ती सु लागू करबा खातर दीना निर्देश। राज्य में धारा 144 री अवधि बढ़ाई। और भारत और इंग्लैंड रे बीचे T20 क्रिकेट सीरीज रो पांचवो और आखिरी मैच आज। दोनों टीमों री कोशिश वेली सीरीज पर कब्जा करबारी। राजस्थानी समाचारों रो बुलेटिन अठाई पर आप जुड़ोड़ा रो DD राजस्थान रिसागे। नमस्कार।